अम्मा है ना थोड़ी सी मोटी है पर है अच्छे मन। तो दोस्तों आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। पहले जब नादी थे आपको नहान नून के बारे में, उसको पहले हम छोड़ो, उसको हम बाद में ले लेंगे। ट्रिप के बारे में भी तो बताइए कुछ कि हमारी ट्रिप तो बहुत अच्छी चली। अब देखते हैं जब हम आने वाली ट्रिप में देखते हैं हमारी कैसी कैसे वीडियो शूट होता है। जो हमारी ट्रिप है हम सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं क्योंकि आज ना मैं स्कूल में अच्छा सा वेलकम होना था पर हमने मिस कर दिया। वो मैं भी चाहती थी कि मैं भी वेलकम अच्छे से करूं, मैं भी देखूं कि स्कूल कितना हमारे लिए मतलब कितना खुश होते हैं कि सारे बच्चे आ गए। पर एक चीज है, जैसा हम स्कूल में जानते हैं कि हमारी मैम हमारा अच्छे से वेलकम करती है, उतना ट्रिप में भी मजा आता है। पर ट्रिप में ये नहीं होता कि मैं स्कूल जैसा कि वेलकम Hello guys, I'm Aisha.
है अच्छे मन वो ना हम जाए एक दिन के लिए कपड़े इतने कर लिए जैसे कि हम महीने के लिए जा रही है। दोस्तों मुझे भी पता है मेरे पापा ना फोन से वीडियो बना रहे हैं उनको हंसी आगे बनाते बनाते। तो हाँ दोस्तों अब हम ट्रिप की बात करते हैं जो ये हमारी ट्रिप है अब आने वाली ट्रिप जाने वाली ट्रिप एक चीज मैंने नोटिस कर लिया ट्रिप के अंदर बीचों बीच गहरे में गहराई में यहाँ पे जो है पहुंचे मैंने में लगती है बहुत ही देर। हाँ और यहाँ तक तो देखो हमारी जो सिम्मी बुई है ना वो कहती है कि देहरादून 5 मिनट में पहुंच जाता है। शायद हमारी बुई के जो फूफू है वो शायद टेस्ट चलाते होंगे पर यहाँ जो है हम यहाँ जो है वो हम यहाँ से इतना धीरे चल रहे हैं कि हम इतना धीरे चल रहे हैं क्यों इसलिए हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे खूब सारा ये गांव की तरह एक उसमें झोपड़ी ऐसी बनी होती है पता नहीं उसमें क्या रखा होता है कुछ रखा होता है पर इतनी लेटेस्ट आना दोस्तों आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे गांव से भी बेटर। आप देखिए मेरी मामा आगे बैठी बैठी हंस पड़ी ये कौन सी बात आ रही हंसने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब हम थोड़ा नहान सिरमौर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हम ना अब इतनी दूर आ चुके हैं क्या मुझे याद भी नहीं कि मैं रोई थी कि नहीं पहले जब नादी थे आपको नहान नून के बारे में उसको पहले हम छोड़ो उसको हम बाद में ले लेंगे कि कब बात करनी है कि नहीं करनी। अब हम चलो ट्रिप पे चलते हैं दोस्तों जो पहले तो जब मैं निकली ना मतलब घर से निकली जैसे मैंने गाड़ी में पानी रखा एकदम मुझे रोना आ गया कुछ क्यों क्योंकि जब हम अपने अपने घर में रहते हैं अपने ही बड़ों की फीलिंग होती है माँ को उनको छोड़ के जाना या फिर अपने से छोटे को छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता। वैसे जैसे मैं और मेरी बहन राधवी और मैं हम गाड़ी में हमने बस पाँव रखा था हम शांत मतलब जाते हुए हम शांति से नहीं बैठ सकते कहीं पे भी जाए बस रोना thank you.
रेडी हो जाओगे और बस फिर हम जो जैसे हम ट्रैवल करते हुए जा रहे थे ना, अब वैसे हम 5 मिनट में सर्दी में पहुंचेंगे।